हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, यहाँ पे दो गायें हैं जो बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। तो मैंने अभी यहाँ से फ़ोटो लिया है, एक मिनट, मैं अभी जस्ट वॉक करने के लिए आई हूँ और ये देखिए। और शायद इसको लम्सी का प्रॉब्लम है, ये दो गायें यहाँ पे बैठी है। और मैंने कम से कम 11 to 12 NGO वालों को कॉल किया है और किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो अभी मुझे इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं पुलिस वालों से कॉन्टैक्ट करूँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट जब तक मैं इनको हैंड ओवर नहीं कर देती हूँ कोई सेफ प्लेस में, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये तो मैं सडनली इतने दिन के बाद वॉक करने के लिए आई हूँ, तो अभी मैं ये इनका थोड़ा हैंडल कर रही हूँ। और जिस कैसे एनजीओ को ऑफ़ करते हैं, ऑनलाइन ऑफ है, फ़ोन चल रहा है और फिर भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। गाइस, मैंने अभी पुलिस स्टेशन फ़ोन किया है, अभी वो आ रहे हैं, देखते हैं अभी क्या हेल्प करते हैं मेरी। वो काम डाउन। मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया है, देखिए एनजीओ वालों ने कहा, किसी ने कॉल नहीं उठाया। 10 से 15 लोगों को मैंने कॉल किया, उनको तो मैं बताती हूँ, उनकी तो वाट लगाऊंगी अभी, मैं डेफिनेटली उनके ऊपर मैं अभी कुछ एक्शन लूँगी। इसको देखो, लम्सी का प्रॉब्लम है, 1000 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है एनजीओ वालों की? मैंने कम से कम 10-15 लोगों को कॉल किया है, कॉल उठा रहे हैं, कट कर रहे हैं। उसको दिया इन्फॉर्मेशन, मैंने सबको कॉल किया, कम से कम मैं आपको बुला देंगे। मेरा नाम कंचन शर्मा है मैम। रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, कुछ भी नहीं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ फोन में मैंने किस किस को फोन किया है। ये डोनेशन लेने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पुलिस को बुला लिया है, तो अभी वो बुला रहे हैं एनजीओ वाले को, किसी डॉक्टर को, गांव की जो डॉक्टर्स होती हैं। और मैं 8:30 बजे आई थी। पुलिस आएगी सर, तो मतलब कि ये जो 24 आवर्स का ये एनिमल्स एनजीओ का ऑप्शन खुला हुआ है, फिर ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को? अभी आप जो सर डॉक्टर के लिए बोल रहे थे, वो नहीं वीडियो नहीं, ये मैं वही पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि वही कि हाँ मुझे पता तो चले जो आप सच बोल रहे हो, और वो नहीं आएंगे 24 आवर्स जो ये मेडिसिन लेके। और पुलिस वाले यहाँ से गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, शायद राउंड मारने गए हैं। अभी उनको कॉल करके देखती हूँ, आते हैं तो मेरी थोड़ी हेल्प करा दें इसको दवाई लगाने में, देखते हैं। अभी बहुत गुस्सा आ रहा है कि लोग ना यहाँ वॉक करने के लिए आ रहे हैं, ऊपर से आके गुजर के जा रहे हैं, देख रहे हैं खाना किसी ने दिया एक आधे इंसान ने। तुम मंदिरों में जाके दूध पानी क्या क्या चढ़ाते हो, और तुम लोगों को गौ माता नहीं दिख रही है कि वो इतनी जख्मी है? अब मुझे पता नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ घर जाके, क्योंकि अब मेरे दिमाग में ये बात घुस गई है, ये जो एनजीओ वाला ने कॉल नहीं उठाया ना, बस अब इस पर पूरा सर्च करके कैसे एक्शन लेना ये मैं आप बताती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, पहले मैं इनको हैंडल करूँ। गुड इवनिंग, तो हम कल की जो बात कर रहे थे, कल रात की जो बात कर रहे थे, जो गाय इंजर्ड हो रखी थी, जिसको जख्म हो रखा था, अभी वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही है। अभी एनजीओ वालों को कॉल करूंगी तो वो भी मुझे पूछेंगे कहाँ पे है, तो अब वो दूर दूर तक यहाँ पे है ही नहीं है। मैंने सब जगह चेक कर लिया है, अब समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रही हूँ वो कहाँ गए हैं। अब एनजीओ वालों को कॉल करने का भी तभी फ़ायदा है अगर वो यहाँ पे अवेलेबल हो। भैया से पूछते हो अंकल से, अंकल जी यहाँ पे रात को दो गायें थी बहुत, एक जख्मी थी काले कलर की, वो किधर है? अच्छा, वो कितने दिन से यहाँ पे बैठ रही है? वो तो आज ही मालूम पड़ गया था, मैं कल रात को आई थी ना, तो वो यहाँ पे इधर उधर बैठी हुई थी उधर, तो फिर मैंने रात को पुलिस को बुलाया था, तो कल संडे था तो बोलते डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर अभी मैं तभी अभी आई हूँ ताकि उसको कहीं एनजीओ से ले जाएं, उसको एनजीओ वाले। तो अभी कहाँ पे वो कोने में बैठी थी सुबह, तो अभी वहाँ पे होगी कुछ पता? अभी नहीं पता, सुबह तो बैठी। वो है किसी की गाय है या फिर ऐसे ही लवारिस है? किसी की है, तो ऐसे छोड़ देते हैं ये लोग। दो थे ना, एक दो थे, हाँ एक ब्राउन थी एक ब्लैक थी, जो ब्लैक वाली थी ना उसको गाड़ी वाले पकड़ के ले गए, ब्लैक वाली को ले गए, कब की? दूसरे वाले को। अच्छा, जो ठीक थी उसको ले गए, और जो जिसको जख्म हो रखा था उसको नहीं लेके गए? नहीं, वो दूसरे गाड़ी वाले होते हैं ना जो गाय भैंस को उठाते हैं, हाँ हाँ वो ले गए उसको, तो उसको भी ले जाते वहीं पे बैठी है जब से, अब पता नहीं है। मैंने रात को दवाई लगाई है, वो फिर उसने दवाई का वो निकाल दिया कॉटन वॉटन, और फिर अपनी जीभ से ना उसको चाट लिया पूरा, अब वही मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ पे होगी। गेट के सामने, गेट के सामने कॉलेज है, कॉलेज के पास ही बैठी।
तो 12 बजे तक बैठा रहा, बता दूँ 12 बजे तक तो बैठा था। वो दूसरे वो उठाया कर ले गए ना, उसके चक्कर में वो टेंशन में उसके चक्कर में बैठ गया। ठीक है, मैं देखती हूँ वहाँ पे जाके। तो गाइस अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो शायद आगे है, और जो ठीक थी उसको ले गए और जो ठीक नहीं थी उसको छोड़ गए। क्या ज़माना है, जिसको ज़रूरत है उसको लेके नहीं गए और जिसको नहीं ज़रूरत है उसको ले गए। इनको पूछते एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पे आपको कोई दो गाय मिली है क्या? उस साइड तो नहीं है, इस मोड़ तक नहीं है, ये पूरे रोड पे नहीं है। थैंक यू। शिट, लगता है वो आगे पीछे कहीं शिफ्ट हो गई है, चली गई है पैदल पैदल। ये गाय मुझे मिल गई है, मैं जाने लगी थी घर को, ये गाय मुझे रोड पे मिली है अभी। और उसके पता नहीं फेस पे खारिश हो रही है बेचारी, पेड़ के साथ अपने आप को पता नहीं हेल्प ले रही है। और अब एनजीओ वाले को कॉल कर रही हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, एक फ़ोन उठा रहा है तो दूसरा नहीं उठा रहा है कुछ ना कुछ। हे महादेव जी प्लीज़ हेल्प कर दो, आज ये अब सेफ जगह पे पहुँच जाए। तो गाइस मुझे 3 घंटे हो गए वेट करके, मैंने एक एनजीओ वाले को कॉल किया था तो वो आ रहे हैं। वो थोड़ा सा दूर गए थे, किसी और काउ को, गाय को, बीमार गाय को लेके आए हैं और उसे छोड़ा है अभी उन्होंने एनजीओ में, तो उसको रेस्क्यू किया है। तो अभी वो मेरे पास आ रहे हैं, अभी उनको लगेगा 15 मिनट्स लगेंगे। तो फाइनली ये मुझे मिल गई यहाँ पे, और अब मैं इसको घर भिजवा के ही फिर घर जाऊँगी। तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बस तब तक नहीं खा पाऊँगी जब तक ये पहुँच नहीं जाती है। तो अब ये जाएगी तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। तो आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या कंडीशन है इसकी अभी। मैंने इसको रात को दवाई भी लगाई है, रात को मैंने पुलिस वालों को भी बोला है, पर रात को ये सारे एनजीओ बंद थे। इसके साथ एक और थी, वो ठीक थी, उसको गाड़ी में कोई लेके गया है दोपहर को और इसको छोड़ गया है। अभी मैंने एनजीओ वालों को बुलाया है, ये लेके जा रहे हैं अभी, होपफुली सेफ जगह पे जा रही है। बाकी जो एनजीओ रहे हैं उनको तो मैं बताती ही रहा हूँ, उनका तो मैं अच्छे से लगाती हूँ, वो बहुत परेशान है। ये ऐसे क्यों कर रही है? बस विंद्रा, तो इसको दवाई वगैरह लगाएंगे उधर जाके? थैंक गॉड। चलो तो अभी ये नवनीत जी मेडिसिन वगैरह लगा देंगे ना इसको? इंजेक्शन लग जाऊंगा जो भी इसका ट्रीटमेंट होने करना है। तो इसको फिर वहीं पे रखेंगे ना? एसपीसी रहेगा। ये 4 दिन से घूम रहे हैं, मैंने कल ही देखा है, और इसके साथ वाली जो थी ना उसको पता नहीं कोई और ही लेके गया है, और वो पूरी फिट एंड फाइन थी। अच्छा। उसको ले गया और ये जख्मी थी इसको यहाँ छोड़ गया। और मैं 4 बजे की आई हुई हूँ यहाँ पे, मैंने वो चाय वाले से पूछा, उसने कहा कि पता नहीं यहाँ घूम रही होगी, वो एक को तो ले गए। तो अभी इसको मैं जैसे घर जाने लगी तो ये यहाँ पे बैठ गया, और अभी इसका ब्लड ऐसे चो रहा था। चले गई, ले गए उसको बेबी को। चलो अभी मैं भी घर जाती हूँ।